बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जदीद तरीके आपाशी। पिछले दिनों मुझे चकवाल जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे जब मैं गंदम के खेत के करीब से गुज़रा जिसमें गंदम बोई हुई थी तो मुझे एक दिलकश किस्म का फवारा नज़र आया जो फसल के एक वसी अहाते को कवर किए हुए था। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई जो आपके लिए पेशे खिदमत है। ये देखें, ये फवारे का पानी यहाँ पे बिल्कुल कैमरे के सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे गिरा है और फवारा वो कहीं दूर जाके नस्ब किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का सीन था जो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। और साथ साथ मैं इस खेत के मालिक को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उसने ये एक अनोखा तरीका दरियाफ्त किया खेत की आबियारी के लिए। इसमें पानी का जो ज़िया है वो भी बहुत न होने के बराबर है, जबकि कदीम जो तरीके आपाशी था उसमें पानी वाफर मकदार में ज़ाया होता था, यानी वो जो नालियों के ज़रिए पानी को सप्लाई करते थे खेत में उसमें टाइम भी बहुत लगता था और पानी भी ज़ाया होता था। ज़ाहिर है उसके साथ एनर्जी के जो ज़राए हैं जिनमें बिजली और डीज़ल वगैरह या पेट्रोल के ज़रिए चलने वाले जो पंप्स हैं तो उनका भी खर्च कई गुना ज़्यादा था, जो मुझे इस किस्म के फवारे में निस्बतन बहुत ही कम नज़र आया। ये देखिए, फवारा बहुत दूर तक फसल पे पानी का छिड़काव कर रहा है। ये जो आपको छोटे छोटे पाइप नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर ये ब्लू कलर की जो वाटर गन है इनके ऊपर आप नस्ब कर दें और उसके साथ ये एक कोसे कज़ा का रंग भी पेश करता है। ये आपने देखा होगा, ये जब सूरज के ख़ास सिमत की तरफ फवारा रुख करता है तो ये कोसे कज़ा बन जाती है। तो ये भी एक भला मंज़र पेश करता है। और बारानी इलाकों के लिए ये एक ज़बरदस्त ईजाद है। ये देखिए, सारी ज़मीन गीली हो चुकी है और बहुत दूर तक गोल शक्ल में ये जो पानी है ये गिर रहा है।
इस कण की खसूसियत ये है कि ये आप इसके अंदर एक वो बना हुआ है लॉक टाइप, उसको आप कहीं कहीं भी लॉक कर सकते हैं, यानी कि किसी भी रेंज तक आप उसको फैला सकते हैं। यानी ये तो अभी जो है ये गोल शेप में पानी को सप्लाई कर रहा है फवारा, लेकिन अगर आप इसको फसल के किनारे पे लगाएं तो बाकी पानी बाहर सड़क पे न जाए या दूसरी ज़मीनों में न जाए, उसके लिए आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो वो सिर्फ बाउंड्री वॉल तक, जो आपकी फसल की बाउंड्री है खेत की, वहाँ तक ये पानी को गिराएगा और दूसरी सिमत में नहीं जाएगा। यानी कि अब ये गोल सर्कल में चल रहा है तो गोल शेप में, तो उस वक्त ये इसको गोलाई का जो है वो हाफ और एक तिहाई भी कर सकता है, वो आप पे डिपेंड है आप जितना उसको फिक्स करना चाहें। ये देखिए रंगों की कोसी कज़ा बन रही है, यह देखने में बहुत फली नज़र आती है।